दोस्तों, जंगल में जानवरों के लिए सर्वाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जंगल में शिकारी जानवर शिकार करने के लिए हर जगह कदम कदम पर बैठे हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता शिकारी किसी भी जानवर का शिकार कर ले, क्योंकि कभी कभी शिकारी की गलत शिकार के साथ भिड़ंत हो जाती है, फिर जिसके बाद उसका अंजाम बेहद दर्दनाक होता है और उसे देखने वाला भी हैरान रह जाता है कि जंगल में ऐसा भी कभी हो सकता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसी वीडियोस। चिम्पांजी वर्सेस रकून। दोस्तों, रकून वैसे तो काफी शरारती जीव होता है और यहाँ पर वो 6 चिम्पांजी से भिड़कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। पहले तो वो चिम्पांजियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनके सामने इसकी एक भी नहीं चली और चिम्पांजियों ने उसे उठा उठाकर कुछ इस तरह से फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो एक पाइप से निकलकर भागने की कोशिश करता है और चिम्पांजी उसे यहाँ पर फिर से पकड़कर मुक्कों से मारना शुरू कर देते हैं और भागने से पहले ही चिम्पांजी इसकी कई हड्डियां तोड़ डालते हैं। मंकी वर्सेस स्नेक। दोस्तों, बंदर बहुत ही नटखट होते हैं, हर समय जानवरों और इंसानों को छेड़ने की फिराक में लगे रहते हैं, लेकिन छेड़ने के बाद ये अपने फुर्तीले शरीर के चलते बचकर भाग निकलते हैं। लेकिन थाईलैंड में बंदरों का एक झुंड पायथन को परेशान कर रहा था, लेकिन छेड़ते समय पायथन एक बंदर को पकड़कर अपनी कुंडली में जकड़ लेता है और उसे मार डालता है और अपने साथी के पकड़े जाने के बाद सभी बंदरों को अपने किए पर पछतावा होने लगा। राइनो वर्सेस हिप्पो। दोस्तों, राइनो और हिप्पो वैसे तो काफी भारी भरकम और ताकतवर जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी हिप्पो को गैंडे के सींग से डरकर भागना पड़ता है और ऐसे ही इस वीडियो में जंगल में घूम रहे गैंडों के झुंड पर एक हिप्पो हमला कर देता है और वो गैंडे के पीछे भागकर उसकी पीठ पर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही गैंडा जवाबी हमला करता है, तभी हिप्पो की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भागना शुरू कर देता है। रैबिट वर्सेस स्नेक। दोस्तों, सांप के सामने खरगोश की क्या औकात होती है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अमेरिका के इस वीडियो में आप एक खरगोश को सांप से लड़ते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सांप खरगोश के बच्चे को खाने की कोशिश में था, लेकिन बच्चे की मां ने उसे देख लिया और फिर मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए सांप पर हमला ही बोल दिया और कमजोर जानवर होने के बावजूद भी इस मां ने सांप को भगा भगा कर मारा। सच में ऐसा सिर्फ एक मां ही कर सकती है। वाइल्ड डॉग वर्सेस लायन। दोस्तों, जंगल में अक्सर वाइल्ड डॉग झुंड बनाकर रहते हैं और इसी झुंड के साथ शिकार करते हैं, लेकिन कई बार भूख के मारे वाइल्ड डॉग भी गलत जगह पंगा ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर वाइल्ड डॉग ने शेरनी के बच्चे का शिकार करने की कोशिश में शेरनी से पंगा ले लिया, जिसके बाद शेरनी ने अपने बच्चे को साइड में करके वाइल्ड डॉग पर अटैक कर दिया और उनमें से 2-4 को गंभीर जख्मी कर दिया, जिसके बाद वो समझ गए कि उन्होंने आज गलत जगह पंगा ले लिया है और फिर वो जल्दी से वहां से भाग गए। एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, इस वीडियो में एक हाथी का परिवार तालाब के किनारे पानी पी रहा था, लेकिन तभी एक मगरमच्छ की नजर उन पर चली जाती है और मगरमच्छ उन्हें देखते ही उनमें से एक हाथी पर हमला करके उसकी सूंड पकड़ लेता है। लेकिन आज उसका समय ठीक नहीं चल रहा था और हाथी ने सूंड पकड़ते ही मगरमच्छ को तालाब में उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया, जिसे मगरमच्छ की अकल ठिकाने आ गई और वो हाथी को छोड़कर वहां से भाग गया। ड्रंक मैन वर्सेस स्नेक। दोस्तों, वैसे तो सांप का एक बूंद जहर भी कई लोगों की जान के लिए काफी होता है, लेकिन फिर भी खतरनाक जीव को नशेड़ी इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। आखिर क्यों, इसकी वजह दोस्तों आप इस वीडियो में देखिए। यहाँ पर सांप खाने की तलाश में हरियाणा के गांव में घुस जाता है, लेकिन अपनी खराब किस्मत के चलते उसे सामने से एक नशे में धुत बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता है और ये बूढ़ा व्यक्ति सांप को चप्पल दिखाते हुए पकड़ लेता है और उसके साथ खेलते हुए इसे कचरा खाने के लिए देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।